वर्किंग विथ टेबल्स अबाउट द चैप्टर टू इंसर्ट अ टेबल टू इंटर डेटा इन अ टेबल टू नेविगेट इन अ टेबल इंसर्ट अ रो और कॉलम टू चेंज कॉलम विथ स्प्लिट सेल्स मर्जिंग सेल्स इन अ टेबल to add table border auto fit to add or change the space inside the table to insert a formula in a table cell making multiple columns or rows of the same size in MS Office Word A table can be inserted by choosing from a selection of pre-formatted tables or by selecting the number of rows and columns that you wish. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के टेबल्स फीचर्स के बारे में, जिसमें आप वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। ए टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारा जो टेबल बना होता है रोज और कॉलम्स। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज नोन एज ए सेल। और जो हमारा रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है उसको क्या कहते हैं, सेल। जो यहाँ इस डायग्राम में आप दिख रहा है ग्रिड, इसको कहते हैं, या एक बॉक्स। इसी बॉक्स का क्या नाम है, सेल। और ये सेल बना होता है किससे, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम से। और बहुत सारे सेल को मिला करके ही हमारा क्या बनता है, टेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज टू इंसर्ट अ टेबल। आप टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। प्लेस द कर्सर ऑन द पेज वेयर यू विश द न्यू टेबल टू बी। आपको सिंपली कर्सर उस लोकेशन पे करना है, उस पेज पे जहां आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। देन क्लिक द टेबल बटन ऑन द टेबल ग्रुप। फिर आपको सेलेक्ट करना है टेबल बटन को। हाईलाइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब आपको हाईलाइट करना है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब आप कितने रो चाहते हैं, कितने कॉलम चाहते हैं अपने टेबल में। द टेबल gets inserted in the working area। क्या होगा, आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा वर्किंग एरिया में, जितने भी आप रोज एंड कॉलम सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग, या जितने ग्रिड आप बॉक्स सेलेक्ट किए हैं सेल उसके अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक इज टू यूज द इंसर्ट टेबल कमांड। द इंसर्ट टेबल कमांड can be used to choose the table dimensions and format it before you insert a table into a document। आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट टेबल कमांड। आप एमएस वर्ड में दो तरीके से टेबल बना सकते हैं, जो फर्स्ट मेथड आपको ऊपर बताया गया और जो सेकेंड मेथड है विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट टेबल कमांड। स्टेप्स आर गिवन। क्लिक वेयर यू विश टू इंसर्ट अ टेबल। आप उस लोकेशन पे क्लिक कीजिए जहां आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेबल्स ग्रुप क्लिक टेबल। आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है टेबल ग्रुप में और सेलेक्ट करना है टेबल, एंड देन क्लिक इंसर्ट टेबल।
इसके बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट टेबल पे। अंडर टेबल साइज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पे तो एक इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे अपीयर। ये पूछेगा आपसे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। आप उसमें टाइप कर दीजिए कितने कॉलम चाहिए आपको और कितने रो चाहिए अपने टेबल। अंडर ऑटो फिट बिहेवियर सेलेक्ट ऑप्शन टू एडजस्ट द टेबल। इसमें आपको सेलेक्ट करना है ऑटो फिट बिहेवियर। तो क्या होगा, टेबल ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा साइज को। नेक्स्ट टॉपिक इज टू एंटर डेटा इन अ टेबल। अब टेबल में आप डेटा कैसे एंटर करेंगे। सिंपली ब्रिंग द कर्सर इन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द इंफॉर्मेशन। आप अपने कर्सर को उस सेल में ले जाइए जहां आप इंफॉर्मेशन एंटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट बिगिन टाइपिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, टाइपिंग स्टार्ट कर देना सिंपली। नेक्स्ट टॉपिक इज टू नेविगेट इन अ टेबल। लेट्स लर्न हाउ टू मूव अराउंड इनसाइड द टेबल। एक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट वन इज टैब की। इट एनेबल्स अस टू मूव फ्रॉम वन सेल इन द टेबल टू अनदर। When you reach the last cell in the table, press the tab key will create a new row. Tab key से आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में। और जैसे आप टेबल के लास्ट सेल में पहुंचेंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो एक नया रो क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट शिफ्ट प्लस टैब की। इट इनेबल्स अस टू मूव वन सेल बैकवर्ड इन द सेल। जब आपको पीछे जाना है एक सेल बैक तो शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करना। नेक्स्ट एरो की। इट इनेबल्स अस टू मूव लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। एरो की से आप टेबल में चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज टू इंसर्ट ए रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इस स्टेप को फॉलो कीजिए। प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू विश टू इंसर्ट अ रो। कर्सर को उस टेबल में ले जाइए जहां आप नया रो इंसर्ट करना चाहते, नए रो इंसर्ट करना चाहते उस लोकेशन पे, उस जगह पे कर्सर ले जाइए। देन सेलेक्ट द लेआउट टैब ऑन द रिबन। आपको लेआउट टैब सेलेक्ट करना है और फिर क्लिक आइदर द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप। लेआउट में टैब में क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है इंसर्ट अबव। से क्या होगा, जस्ट करेंट कर्सर पोजीशन के अबव ऊपर आपका इंसर्ट होगा रो, और इंसर्ट बिलो से क्या होगा, जस्ट नीचे जो करेंट कर्सर पोजीशन है आपका उसके नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगा जस्ट बिलो। लाइकवाइज क्लिक आइदर द इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट बटन और द इंसर्ट कॉलम टू राइट बटन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप। सिंपली जैसे आपने रो इंसर्ट किया है आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं करंट कर्सर पोजीशन के लेफ्ट में और राइट में। अगर लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा एक कॉलम
अगर राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टू फॉर्मेट ए टेबल। टू फॉर्मेट ए टेबल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन फॉर्मेट ए टेबल बाय चेंजिंग टेबल लाइंस एंड कलर्स, सेटिंग टेबल, एडजस्टिंग रोज एंड कॉलम साइज एज वेल एज अलाइनमेंट। टू फॉर्मेट अ टेबल, टेबल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, चेंजेज कर सकते हैं उसमें, इसका आप लाइन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सेटिंग डाल सकते हैं, रो एंड कॉलम के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं और अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट टेबल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू चेंज कॉलम विड्थ। टू चेंज द कॉलम विड्थ डू वन ऑफ द फॉलोइंग टू चेंज द कॉलम विड्थ। आपको कॉलम का विड्थ, हाइट और विड्थ दो चीजें होती है, जिसमें विड्थ आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इस स्टेप को फॉलो कीजिए। इन ऑर्डर टू चेंज द विड्थ टू अ स्पेसिफिक मेजरमेंट क्लिक अ सेल इन द कॉलम दैट यू वांट टू रीसाइज। उस सेल में क्लिक कीजिए जिसके कॉलम को आप कॉलम के साइज को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। देन ऑन द लेआउट टैब इन द सेल साइज ग्रुप क्लिक इन द टेबल कॉलम विड्थ बॉक्स एंड देन स्पेसिफाई द साइज यू विश। सिंपली आपको क्या करना है, लेआउट टैब पे क्लिक करना है सेल साइज ग्रुप में और उसमें सेलेक्ट करना है टेबल कॉलम विड्थ। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको बताना है कि उसका साइज आप क्या रखना चाहते हैं। टाइप कीजिए, आप नंबर में टाइप कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको जरूरत है। लाइक वाइज वी कैन चेंज द रो हाइट बाय सेलेक्टिंग द रो। सेम एज जैसे आपने कॉलम का विड्थ चेंज किया, आप रो का हाइट भी चेंज कर सकते हैं, सेम स्टेप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग मल्टीपल कॉलम और रोज ऑफ द सेम साइज। आप चाहते हैं रो एंड कॉलम को सेम साइज में रखना या बनाना। द कॉलम ऑफ द रो एंड कॉलम यू विश टू मेक द सेम साइज। उस कॉलम और रो को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप सेम साइज रखना चाहते हैं। ऑन द लेआउट टैब इन द सेल साइज ग्रुप क्लिक डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली और डिस्ट्रीब्यूट रो इवेंटली। आपको सिंपली क्या करना है, लेआउट टैब पे क्लिक करना है सेल साइज ग्रुप में और आपको क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली और डिस्ट्रीब्यूट रो, जिसमें आप रो एंड कॉलम का सेम साइज रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स डू द फॉलोइंग टू डिवाइड अ टेबल सेल इनटू मोर सेल्स। आप सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं अलग अलग सेल में, एक सेल को दो तीन सेल में। सिंपली आपको क्लिक करना है सेल में
और सेलेक्ट करना है मल्टीपल सेल को, एक से अधिक को भी आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, जिसको भी आपको स्प्लिट करना है, या तो सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल से उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको क्लिक करना है टेबल्स टूल में और लेआउट टैब में। टेबल्स टूल पे क्लिक करना है, लेआउट टैब में इन द मर्ज ग्रुप और क्लिक करना है स्प्लिट सेल्स पे। जैसे आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा स्प्लिट सेल का। एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज दैट यू विश टू स्प्लिट द सेलेक्टेड सेल्स इनटू। यहाँ पे आपको टाइप करना है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, टाइप कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो गिवन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपका सेल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जिंग सेल्स इन अ टेबल। आप चाहते हैं सेल्स को मर्ज करना टेबल के अंतर्गत, तो सिंपली इस स्टेप को फॉलो कीजिए। डू द फॉलोइंग टू कंबाइन टू और मोर टेबल सेल्स इन द सेम रो और कॉलम इनटू अ सिंगल सेल। आप चाहते हैं कि मोर देन वन रो और कॉलम को मर्ज कर, मिला करके सिंगल सेल और सिंगल कॉलम बनाना, तो आप आसानी से बना सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट द सेल दैट यू विश टू मर्ज इन द टेबल। उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप मर्ज करना चाहते हैं अपने टेबल के अंदर। क्लिक ऑन द लेआउट टैब ऑन द रिबन। अब आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है। देन क्लिक द मर्ज सेल्स बटन इन द मर्ज ग्रुप। आपको मर्ज सेल बटन पे क्लिक करना है मर्ज ग्रुप में, तो क्या होगा, आपका सेलेक्टेड रोज और कॉलम मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट टू ऐड टेबल बॉर्डर्स। इन ऑर्डर टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल वी कैन अप्लाई अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड सेटिंग स्टाइल्स। आप अपने टेबल को इन्हेंस करना चाहते हैं, उसका जो अपीयरेंस है उसको, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर और सेडिंग स्टाइल को अपने टेबल में। इसके लिए सिंपली आपको गिवन स्टेप्स को फॉलो करना। बाय क्लिकिंग ऑन टेबल मूव हैंडल सेलेक्ट द एंटायर टेबल। आपको क्या करना है, एंटायर टेबल को सेलेक्ट कर लेना और क्लिक द लेआउट टैब अंडर टूल्स ग्रुप। आपको लेआउट टैब में टूल्स ग्रुप पे क्लिक करना है, टेबल ग्रुप क्लिक सेलेक्ट एंड देन क्लिक सेलेक्ट टेबल। आपको टेबल ग्रुप में सेलेक्ट पे क्लिक करना और फिर सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करना, देन क्लिक द डिजाइन टैब अंडर टूल्स टेबल टूल्स। आपको डिजाइन टैब पे क्लिक करना है टेबल्स टूल्स में। इन द टेबल स्टाइल ग्रुप क्लिक बॉर्डर्स। अब आपको क्या करना है, टेबल स्टाइल ग्रुप पे क्लिक करना है और बॉर्डर पे क्लिक कर, देन डू वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, उसको क्लिक करना है। क्लिक वन ऑफ द प्री डिफाइंड बॉर्डर सेट। यहाँ बहुत सारे बॉर्डर का सेट है, कलेक्शन है, उसमें आप किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कीजिए। देन क्लिक बॉर्डर एंड सेटिंग। अब आपको कहाँ क्लिक करना है, बॉर्डर एंड सेटिंग पे। देन क्लिक द बॉर्डर टैब, फिर आपको क्लिक करना है बॉर्डर टैब पे, एंड देन द ऑप्शंस दैट यू विश। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। सी द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द टेबल। और जो भी आप अप्लाई करेंगे स्टाइल डिजाइन, ये आपको टेबल पे दिखेगा।
नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटो फिट। ऑटो फिट, एडजस्ट योर टेबल और कॉलम ऑटोमेटिकली टू फिट द साइज ऑफ योर कंटेंट बाय यूजिंग द ऑटो फिट बटन। ऑटो फिट बटन से क्या होगा, आपका टेबल और इसके कॉलम ऑटोमेटिकली साइज को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स। आपने उस सेल में जो भी टाइप किया उस कैरेक्टर के उस नेम के अकॉर्डिंग साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए विद द हेल्प ऑफ ऑटो फिट ऑप्शंस। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट योर टेबल, अपने टेबल को सेलेक्ट कीजिए और ऑन द लेआउट टैब इन द सेल्स ग्रुप क्लिक ऑटो फिट। आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है सेल्स ग्रुप में और क्लिक करना है ऑटो फिट ऑप्शन पे। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, डू द फॉलोइंग, डू वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं या बारी बारी से सबको अप्लाई कर सकते हैं। टू एडजस्ट कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली क्लिक ऑटो फिट कंटेंट। आपको क्या करना है, ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करना, एडजस्ट करना है कॉलम के विड्थ को ऑटोमेटिकली, तो ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करना। या टू एडजस्ट टेबल विड्थ ऑटोमेटिकली क्लिक ऑटो फिट विंडो। अगर आप एडजस्ट करना चाहते टेबल को के विड्थ को ऑटोमेटिकली तो ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कीजिए। या टू फिक्स कॉलम विड्थ एंड टू रैप द टेक्स्ट इन द सेम सेल, इस ऑप्शन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो क्या होगा, उस कॉलम के विड्थ में टेक्स्ट आपका रैप कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टू ऐड और चेंज द स्पेस इनसाइड द टेबल। टू ऐड और चेंज द स्पेस इनसाइड द टेबल, आप अपने टेबल के अंदर स्पेस को ऐड कर सकते हैं या जो स्पेस है उसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। इन ऑर्डर टू ऐड स्पेस इनसाइड योर टेबल वी कैन एडजस्ट सेल मार्जिन्स और सेल स्पेसिंग। आप टेबल के अंदर स्पेस को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं उसके मार्जिन्स को सेल स्पेसिंग को, तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक द टेबल, उस टेबल में क्लिक कीजिए। इन द अलाइनमेंट ग्रुप क्लिक ऑन द लेआउट टैब, आपको अलाइनमेंट ग्रुप में लेआउट टैब पे क्लिक करना है। देन सेल मार्जिन एंड देन इन द टेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, आपको सेल मार्जिन पे क्लिक करना है टेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में। अंडर डिफॉल्ट सेल मार्जिन एंटर द मेजरमेंट यू विश टू एडजस्ट द टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट मार्जिन, आपको डिफॉल्ट सेल मार्जिन में इंटर करना है जो आप मार्जिन ऐड करना चाहते हैं, टॉप साइड से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट मार्जिन से। नेक्स्ट टॉपिक इज टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन अ सेल। टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन अ सेल, आप चाहते हैं अपने सेल के अंदर फार्मूला इंसर्ट करना, तो आप आसानी से इंसर्ट कर सकते विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेप्स। वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन इन अ टेबल बाय यूजिंग फार्मूला। आप अपने टेबल के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं, लॉजिकल कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, फार्मूला की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लॉजिकल कंपैरिजन जस्ट लाइक ग्रेटर देन लेस देन, ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द फार्मूला कमांड ऑन द टेबल टूल्स लेआउट टैब
इन द डेटा ग्रुप। इस कमांड को आप फाइंड कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं सिंपली टेबल्स टूल्स लेआउट पे क्लिक कर। स्टेप्स आर गिवन, सेलेक्ट द टेबल सेल वेयर यू विश योर रिजल्ट टू बी। आप उस सेल टेबल के सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप रिजल्ट चाहते हैं, उस कैलकुलेशन का रिजल्ट चाहते हैं। इफ द सेल इज नॉट एम्प्टी डिलीट इट्स कंटेंट्स। अगर सेल एम्प्टी नहीं है तो आप उसके कंटेंट को डिलीट कर दीजिए। देन क्लिक फार्मूला ऑन द टेबल्स टूल लेआउट टैब। आपको फार्मूला पे क्लिक करना है टेबल्स टूल लेआउट टैब में इन द डेटा ग्रुप। डेटा ग्रुप में यूज द फार्मूला डायलॉग बॉक्स टू क्रिएट योर फार्मूला। क्या होगा, फार्मूला डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा, उसकी मदद से आप फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी विल नोटिस दैट द सम ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट फार्मूला इज ऑलरेडी डिस्प्लेड। जैसे ही फार्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो बाय डिफॉल्ट उसमें एक फार्मूला लिखा होता है इक्वल टू सम और ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट LEFT लिखा होता। सिंपली आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यू होंगे अलग अलग सेल में उसको टोटल करके आपको रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लेट अस रिमाइंड। अ टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। हमारा टेबल किससे मिलके बना होता है, रो और कॉलम्स। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज नोन एज अ सेल। और जो इंटरसेक्शन है रो एंड कॉलम का ये क्या कहलाता है, सेल। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन फॉर्मेट अ टेबल बाय चेंजिंग टेबल लाइन एंड कलर्स, सेटिंग टेबल्स, एडजस्टिंग रो एंड कॉलम साइज एज वेल एज अलाइनमेंट। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट स्टाइल डिजाइन अप्लाई कर सकते। जैसे आप चेंज कर सकते हैं टेबल का लाइन, उसका कलर, सेटिंग ऑफ अ टेबल और एडजस्ट कर सकते हैं रो और कॉलम के साइज को और उसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। एडजस्ट योर टेबल और कॉलम्स ऑटोमेटिकली टू फिट द साइज ऑफ योर कंटेंट बाय यूजिंग द ऑटो फिट बटन। आप अपने टेबल के कॉलम्स को ऑटोमेटिकली फिट कर सकते हैं साइज को जो उसका कंटेंट्स है विद द हेल्प ऑफ ऑटो फिट बटन। ऑटो फिट बटन की मदद से आप अपने टेबल के सेल्स के कंटेंट को उसके साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। In order to add a space inside your table, we can adjust cell margin or cell space. अगर आप चाहते हैं स्पेस ऐड करना अपने टेबल के अंदर तो आप एडजस्ट कर सकते हैं सेल के मार्जिन को, सेल के स्पेस को। We find the formula command on the table tools layout tab in the data group. आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स टूल्स लेआउट टैब इन द डेटा ग्रुप। इसकी मदद से आप अपने टेबल के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं, फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।